और एक और खुशखबरी है आपके लिए। हाँ, अभी नहीं हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। तो माय लाइफ प्रीति का ब्लॉग मैं शुरू करने जा रहा हूँ। माय लाइफ प्रीति के ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज कौन सा दिन है? आज है संडे, आखिरी संडे। और क्या करना है? महीने का सफाइयां करनी है। सफाइयां? अभी हमारे रूम में भी कोई सफाइयां नहीं है। चलो ऐसे चलाओ, फिर काम करते हैं अपने रूम की। सबसे पहले यार, वाओ, तो मैं चल जा रहा हूँ एसी चलाने। यहीं से चलाओ, यहाँ से नहीं चलेगा ना, वहाँ से स्विच चला के आऊंगा। तुम्हें वीडियो बनाऊ बाल इतने टूट रहे हैं क्या बताऊं। ये देखो खड़े खड़े बाल निकल रहे हैं, दिख रहा होगा। अच्छा ठीक है, चलो ए सी चलाते हैं। कहाँ गया? फिर थोड़ा सा ठीक हो जाएगा मौसम, थोड़ा सा गर्म है तब फिर मजा आएगा काम करने में भी। आज संडे है तो अभी मैं आज नाश्ते में बनाई थी क्या बोलते हैं इसको, ब्रेड रोल, जो कि है सब लोग खा चुके, सिर्फ 3 पीस पड़ा हुआ था, बच गया था। तो मैंने सोचा चलो ऊपर ले चलती हूँ, तो बाद में खा लेंगे हम लोग। और अभी आप लोग देख सकते हैं बिस्तरा वैसे कि वैसे पड़ा हुआ है, तो इसको भी अभी हमें सेट करना है। और जो हमारा मतलब पीछे वाला ब्लॉग है, और उदय जी जाने लगे हैं जिम, इसीलिए तो मैं आप लोग को बताई होगी। नमस्कार भाई और बहनों, और एक और खुशखबरी है आपके लिए। हाँ, अभी नहीं बताने जा रहा हूँ। नहीं बाद में कोई नहीं इनसे है, बहुत अच्छी खुशखबरी है। बताएं? नहीं बता दे अभी थोड़ा सफाई वफाई कर ले फिर, है कि नहीं। और क्या, पर इनको ज्यादा सफाई करने के लिए मनाही है, इनको ज्यादा काम करने के लिए मनाही है, समझने वाले समझ जाएंगे। हाँ। है ना, तो उदय जी आज करेंगे, मैं मतलब रूम का थोड़ा बहुत करती हूँ, बाकी उधर जो हमारा एक स्टोर हमारा है, बात क्या हुई कि मेरे छोटे भाई की दुकान खुल गई है, तो जिसकी वजह से वो कमरा जो है जो हमारा था वो स्टोर रूम बन गया है। आप देख रहे होंगे कि हमने एसी भी अब अपने रूम में लगा लिया है, अपनी तरफ न्यू एसी लगाया है, लॉयड का। तो अभी जो है ना ये वाला रूम अभी आपको दिखाऊंगी, उसको हम लोग मतलब पूरा क्लीन करेंगे अच्छे। हाँ। से तो चलो बिस्तरे से शुरुआत करते हैं ना, चलो करते हैं। ये देखो ये हो रहा है बिस्तरा से, ठीक है। मैं जब अकेले करती हूँ मैं बहुत जल्दी कर लेती हूँ काम अपने रूम का। अभी आज महीने का लास्ट दिन है तो उदय जी छुट्टी करते हैं, तो ये मेरा काम में थोड़ा सा हेल्प करते हैं, तो हम दोनों में हो जाती है थोड़ी सी नोकझोंक, क्योंकि मैं अपने हिसाब से काम करती हूँ और ये अपना ही टांग अड़ाई जाते हैं। ना करो यार, टूट जाएगा बेचारा, इतना प्यारा सा है, तो ये अपना ही टांग अड़ाई जाएंगे, नहीं मैडम यहाँ नहीं, यहाँ सेट करो, यहाँ नहीं, यहाँ सेट करो। तो इसलिए जो काम 1 घंटे में होना होता है वो काम ये 2 घंटा लगवा देते हैं, तो जो नहीं भी करना होता वो भी करते हैं। हाँ, वो भी करने लगते हैं। तो चलो आशा करती हूँ अभी सब ठीक ठाक हो जाएगा क्योंकि ये टाइम बड़ा लगाते हैं। अरे तो फुर्ती मारने का शौक है क्योंकि हमें आज के दिन बाजार भी जाना होता है। हाँ। तो वो जो बाजार वगैरह का सीन होगा वो हम बाद में आपको दिखाएंगे, ठीक है। एसी चालू हो गया, ना मजा आएगा, और थोड़ा सा वीडियो भी बनाएंगे। चलो मिलते हैं, चलो अपना सफाई कर भी शुरू करते हैं। ये उदय जी शर्ट था, कहते हैं मेरे को झुट्टे में बोलते कि मेरे शर्ट में पैसे थे तुमने निकाला नहीं। और ना इनके जब जिस दिन मैं चेक करती हूँ इनका शर्ट पैंट जब धुलना होता है तब नहीं पैसे निकलते, जिस दिन मैं नहीं चेक करती उस दिन जब धुल के मैं डाल भी दूँगी कपड़े, फिर जब ये पहनेंगे तब कहेंगे ये देखो पैसे पड़े थे, गुच्चू मुच्चू हो गए, तुमने निकाला नहीं। फिर जब कपड़े पहन लेंगे तो कहेंगे ओ देखो मेरे को तो बोहनी होगी सुबह सुबह, तो मैं सोचती हूँ और मैंने चेक क्यों नहीं किया, तो यही है, नहीं करती कई बार।
तो अभी ये सफाई कर रहे हैं, तो ये रहते हैं ना, तो जैसे ऊपर वाला अलमारी वगैरह हो गया और सब कुछ हो गया, तो वो सब भी साफ़ कर देते हैं। तो महीने में एक बार ये अच्छे से करवाते हैं सफाई, तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ साथ में ही करते हैं, साथ में अच्छा भी लगता। वैसे तो हमारे यहाँ रोज़ डस्टिंग करनी पड़ती है, रोज़ कपड़े मारने पड़ते हैं इधर ड्रेसिंग टेबल पर और कहीं, क्योंकि मेरा जो घर है वो है रोड पर, हाईवे रोड पर, तो मिट्टियाँ उड़ती रहती हैं और यहाँ अंधेरी आती है बहुत ज़्यादा। आएगी बारिश बाद में होगी, पहले अंधेरी आएगी, मिट्टी मिट्टी हो जाता है, तो इसलिए हमें रोज़ करना पड़ता है। तो आज उदय जी करवा रहे, बहुत अच्छा लग रहा है, तो चलो मैं थोड़ा सा कुछ खाती हूँ, वही था तो मैं कहा चलो खा लेती, तो इनको भी खिला रही थी, ये कहते नहीं मैंने नहीं खाना। आज बहुत आराम फील हो रहा है कि ये काम कर रहे हैं, तो अभी मैं भी करवाती हूँ, थोड़ा सा पेट पूजा कर लूँ। तो वैसे भी मैं खाई हूँ बट थोड़ा सा और खा लेती हूँ। और ये देखो इनके हाथ वगैरह सब अलमारी तक पहुंच जा रहे हैं, अपना सेट कर रहे हैं। और अभी मैं नीचे से भी सारा काम करके आ गई, नीचे का काम हो गया है और नीचे झाड़ू पोछा है। देखो मेरी बेटी भी आ रही है, अब आ रही है तो अब वॉइस ओवर नहीं करने देगी और बोलती रहेगी बोलती रहेगी। वो जैसे सुबह उठी, हाँ जैसे उठी है वैसे घूमने चली गई है आरो भैया के घर। तो बस ये देखो आ गई मेरी महारानी, और आरो भैया को भी लेके आई है साथ में दोनों। तो अब चलो मैं दवाई पी लेती हूँ। ये देखो चिल्लाने लगी, बेटा आवाज़ मत करो, परी आवाज़ मत करो। तो ये मैं दवाई पी रही हूँ और टाइम हो गया है 10, तो चलो मैं म्यूज़िक लगा देती हूँ, ये चिल्ला रही है।
फ्रेंड, जो पीछे का एरिया था वो हम लोगों ने कर लिया है साफ, और अभी थोड़ा सा हम छाटी करने जा रहे हैं खिलौनों का, क्योंकि परी के जो खिलौने हैं ना, तो आधा इसने यहाँ बिस्तरे पे रखा हुआ है और आधा और काफ़ी खिलौने इसके नीचे हैं, इधर उधर पड़े हुए हैं ढेर सारे, तो इसको हम सेट करके रखेंगे। जो इसमें से वेस्ट खिलौने हैं उसको हम फेंक देंगे, क्योंकि काफ़ी परी यहाँ तोड़ तोड़ के भी खिलौने रखे हुए हैं। आइसक्रीम के जो मटकी कुल्फी आती है उसका ढक्कन भी रख लिया है, जो प्लास्टिक का छोटा छोटा इसके पास नजर आता है तो वो सब रख लेती है। ये इसका जब सबसे पहला खिलौना ये इसका कंगारू। सही नहीं, आप मैं रखता हूँ ना, आप खराब खिलौना है, ये भी टूट गया है। वो भी खराब है, खराब उसमें तो टेप लो, जोड़ जा, जोड़ जा।